एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हाँ गोस्वामी, खालिद बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। हाँ वालेकुम सलाम। अरे सुन यार, यार तेरे पेपर में अपनी फोटो वोटो छपा ना यार। हाँ नहीं मैं क्या करता हूँ, अगली बार नायक साहब एनकाउंटर करते हैं ना, तो एक डेड बॉडी पकड़ के उस पर पैर डाल के फोटो खिंचवा लेता हूँ। हाँ डालना यार तेरे पेपर में यार। हाँ दूंगा ना, 5,000 रुपये दूंगा। हाँ यार अपने को भी प्रमोशन मिले ना, ये साला इधर हेड कांस्टेबल बन के कब से लटक गया हूँ। ठीक है ओके, खुदा हाफिज भाई। क्या कंप्लेंट है भाई बोल। साहब मेरी बीवी भाग गई साहब। क्या बात करता है, अरे वाह, ऐसा क्या किया यार, जरा हमको भी तो सिखा। अबे ये क्राइम ब्रांच है, इधर ऐसी कंप्लेंट नहीं लिखाने की। ओ गली के नाके पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पे 16 नंबर का बीट है, उधर जाके शिंदे को लिखा। शिंदे? हाँ वो बीवी पकड़ने में एक्सपर्ट है, उसकी खुद की बीवी 5 बार भाग गई थी ना। क्या बात कर रहा है? जा और सुन सुन सुन, उसको बराबर लिखा ना, तेरी बीवी काली थी, गोरी थी, मोटी थी, पतली थी, मेल थी, फीमेल थी। मेल? अबे जाना पानी कम जाना है। नाम दे। हाँ खालिद भाई। तेरी जेब खाली है क्या? क्यों? मेरे को पान थूकने का है। क्या मजाक करता है खालिद भाई, आपको पता है कल पेपर में आया था क्या, इतना पान खाने से मुंह का कैंसर होता है। क्या बात करता है यार? तो तौबा तौबा तौबा, कल से बंद। पान बंद? अरे नहीं रे, पेपर बंद पगले। ये पान वान छोड़ो और कल से दूध भी पिया करो। अरे तुझे पता है यार, कल मेरे मोहल्ले में एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। वो कैसे? अरे मजे से दूध पी रहा था, अचानक उस पे भैंस बैठ गई। क्या खालिद भाई आप भी। हेलो। यस सर, अभी मैं अप्पा साहब को बताता हूँ। ओके एवरीथिंग इन माय हैंड, एक मिनट, सो इट इज अप टू मी। एक्सक्यूज मी, क्या है? मेरी बीवी मायके गई है, एक हाथ कन्या का जुगाड़ करा दे, मेरा मूड बना दी। अरे यार बीवी तेरी मायके जाती है, तकलीफ तू मुझे देता है। मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा चल कोना पकड़, मैं बनाता हूँ। चल तू ब्लू कलर। Really? पर आप गलत नहीं हो सकते। वालिया, तुम्हारी पार्टी में रौनक कमाल की होती है। अजी सर, वालिया साहब की पार्टी हो और रौनक ना हो, इम्पॉसिबल। हेलो माणिकराव जी, आज अच्छा मौका है प्रधान से बात करने का। वालिया, बात आज ही हो जाए तो अच्छी बात है। क्या है माणिकराव जी? Sure, drop by. Oh, really? Good evening. Excuse me. Hi, Susan. Hi. Manikraj ji, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। Excuse me. Yes, sure. फिकर मत कीजिए। जी बस आपकी कृपा है। मैं जरा और मानिकराव जी, कैसी चल रही है आपकी सरकार? हमारी सरकार तो चलती ही रहेगी, अगर आप भी हमारे साथ आ जाएं, तो 4 चांद लग जाएंगे। तो क्या कह रहा था मैं प्रधान जी, भूल गया मैं। हाँ वो गुजरात में हजीरा के पास जो 6,000 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल का जो प्लांट है ना आपका, उसमें अपने बेटे के नाम 25% शेयर चाहिए बस। यानी कि पार्टनरशिप। समझदार है आप। क्या है, इसी तरह अपना रिश्ता बनता चला जाएगा है? फिर साथ चलकर मिलकर छोटे बड़े काम कर सकते हैं है? देखिए माणिकराव जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप जानते हैं मेरा सपोर्ट और मेरी लॉयल्टी ऑपोजिशन यानी कि यादव और गायकवाड़ के साथ है। 4 साल से अपोजिशन में बैठे हैं, क्या औकात है उनकी? अगली बार भी हमारी ही सरकार आएगी, हमारा साथ दोगे, फायदे में रहोगे। माफ कीजिएगा माणिकराव जी, मैं बिजनेसमैन हूं, नेता नहीं। ये दोस्त और दल बदलने की आदत आपको होगी, मुझे नहीं। गुड डे। क्या बोला? नहीं मान रहा है। ना फिकर मत कीजिए, मैं मना लूंगा। वालिया बेहतर है इसे समझा देना।
ए खालिद भाई, मेरा नंबर है। अरे यार, तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात नहीं। ना ना, दोस्त है तो घर पे आ, चाय नाश्ता करके जा, इधर दोस्ती बिस्ती नहीं। बाय। देखे शाने, तू कानून के आड़े आ रहा है, कानून के काम अटकाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले। ए खालिद भाई, अभी पीटा जाएगा क्या? चल, क्या तेरा नाम लिखा है क्या अंदर? लिखा है, नहीं लिखा तो लिख डालेगा। हाँ, तू पुलिस में ना, तो अपन भी हाई कोर्ट के जज का पर्सनल ड्राइवर है, पूरे खानदान का नाम लिख डालेगा। तो लिखना यार, आवाज अंदर जाके कर, इधर नहीं जा। बात करता, ए चल ना तू। खालिद भाई टेंशन है। अरे यार, तू आधे घंटे से अंदर, तो फिर भी टेंशन है। टेंशन दूसरा है खालिद भाई, अंदर टॉयलेट में मेरी बीवी के नाम के आगे मेरे घर का टेलीफोन नंबर लिखा है। अच्छा, अरे तो मैं लिया, मेरी बीवी के नाम के आगे लिखता है 50 रुपीज ओनली। क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे 10 लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म। क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी। एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना। मेरे को मालूम है किसने लिखा है। अच्छा, कौन? पीटर। पीटर नहीं, नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं यार, क्या नहीं नहीं, उसे आज भी लिखने वाला है। क्या तू नहीं मानता? चल, मैं अभी डिब्बा का डिब्बा और पानी का पानी कर देता हूँ। ये पीटर लिखना मत यार। ए लिखेगा, 1000 बार लिखेगा, डरता है क्या? देखा देखा ये साला, उसको कितना मैंने बाहर समझाया यार, तावड़े की बीवी के बारे में ऐसा मत लिख यार, और 50 रुपये तो मत लिख यार। तो बोलता है आज तो मैं 5 रुपया लिखने वाला हूँ, इतनी महंगाई में 5 रुपये कैसे परवड़ेगा? आज वो गया खालिद भाई, कसम से कह रहा हूँ, आज वो गया। आप बीच में मत आना, आपको मेरी बीवी की कसम, आप बीच में मत आना, आज वो गया। अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ, फिकर मत कर, लास्ट में ही आऊंगा, तू फोड़ डाले, फोड़ डाल यार। पीटर, क्या लिखता है, क्या कर रहा है? ये जो बाकी का एरिया बचा हुआ है, ये किस भाई का है? सर ये भाई का नहीं, ये बहन का एरिया है, बहन का, मीरा बहन जोशी। बहुत डेंजर औरत है सर, 2-4 बार तो पुलिस वाले को भी लाफा मार चुकी है। शट अप। अगर ये सब भाई बहन के एरिया, तो हमारे एरिया कौन सा है? हमारा एरिया ये है सर, ये एरिया हमारा है, जहाँ हम और आप इस वक्त खड़े हैं, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल सेफ और साउंड। तो आपने ये नौकरी सेफ एंड साउंड रहने के लिए की हुई है? इस तरह आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे क्राइम ब्रांच में? तो आज 4 भाई हैं, कल 8 भाई भी हो सकते हैं। 8 नहीं सर, 80 और फिर 800। इसी रफ्तार से हमारे हाथ बांध दिए गए और हम कुछ नहीं कर सके, तो इस सवाल का जवाब जानना है तो पूछिए अपने सुपीरियर से, पूछिए अपने कलीग से, झांक कर देखिए इस पुलिस डिपार्टमेंट में और समझने की कोशिश कीजिए इस सिस्टम को। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको सर। मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो रहा है, चलता हूं। जय हिंद। क्या घड़ी के हिसाब से ड्यूटी करता है ये? और जितनी भी करता सिर्फ चने खा के ड्यूटी करता है, ऐसे ही पैदा होता क्या ये? एक जमाने में ये हमारे क्राइम ब्रांच के हीरो थे सर। यस सर, 24 घंटे ड्यूटी करते थे। सेक्शन में किसी भी गली से इनकी फटफटी गुजरती थी, अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती थी। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब है डर जाते थे, जी जान से ड्यूटी करते थे। लेकिन मिला क्या, बीवी भी छोड़ के चली गई, सिस्टम को बदलने चले थे, सिस्टम ने इनको ही बदल दिया। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। और ऊपर से वालिया, पठान और मानिकराव, इन तीनों ने मिलकर तो कानून की। चलता हूं सर।